गोरखा हित सर्वोपरि। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अभी तक तो आए नहीं है। हो गया ना, बोला ओ खुश है ना, खुश है ना। हमने पूछे, हमने पूछे, हमने पूछे, हमने पूछे, हमने ये खेत को सामने ऑडियो नंबर दे रहे हैं, इधर नहीं, इधर मत आओ। ये ना सुन, बोल हम साथी ठीक है, तुम कौन कौन जाते सकता है बीच चाहे जति नै ढिलो भए पनि उहाँलाई लगेर जान्छौँ, किनभने आज उहाँहरूले यस्तो खालको लडाइँ लडेर आएको छ। आज 3.5 वर्ष उहाँहरूले जुन किसिमको लडाइँ लडेर आएको छ त्यो चाहिँ हामी गोर्खाहरूको लागि एउटा फक्रको कुरा हो। आज अध्यक्ष विमल गुरुङको हातमा उहाँसँग साथमा बसेर उहाँहरूले एकैछिन पनि उनीहरूले उहाँलाई नछोडिकन बसेर आज जुन किसिमले हाम्रो यो जुन चाहिँ गोर्खाहरूको चिनारी र माटोको लागि लडाइँ गर्नुभएको थियो त्यसको लागि विजयी भएर उकालो आउनु, किनभने त्यसलाई किन विजयी भन्छु भने उहाँहरूले आफ्नो मुद्दा छोड्नु भएको छैन र मुद्दा नछोडेकोले गर्दाखेरि नै आज हामी उहाँहरूको अन्तिम लडाइँसम्म हामी साथ दिनेछौँ। विमल गुरुङ जिन्दाबाद, हामीलाई कल्याण चाहिन्छ। উনি যেভাবে আমাদের গোর্খাদের একটা চিনারির জন্য একটা লড়াই লড়ছিলেন, ওই লড়াইটা বকরার রাখতে হবে
আমাদের ন্যায় হইতে হবে, এই জন্য ওনার আমাদের খুব দরকার। গোর্খাদের রাষ্ট্রীয় নেতা আমাদের বিমল গুরুংকে আমরা চাই। আর এখন উনি আসতেছেন, ওনার আগে রোশনগিরি আর আমি দীপেন মালে দুইজনকে স্বাগত করার জন্য অনেক লোক আসছি, আমরা এত লোক আসছি, আজকে অর্ধেকটা খালি লোক আসছি, পুরো আসলে পরে এখানটা আটবেও না। আর একটা যেটা বিষয় যে বিমল গুরুং রোশনগিরি এখন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড চাইবেন না কোনোভাবেই, এইটা কি বলছেন? উনি তো বিমল গুরুং তো উনি তো ডাইরেক্ট বলে দিয়েছেন, আমার মুদ্দাটা কোনোদিন শেষ হবে। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।